हेलो दोस्तों, ये 15 HP का ओपन वेल आया था और ये इंटरटन टन शॉर्ट हो गए थे और ये टेक्समो टेरो का है। ये देखिए, इसकी नेम प्लेट भी हमने वीडियो में दी है और ये देखिए इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए आप, और ये हमने एक जुगाड़ बना रखा है क्योंकि कोईल अगर चिपक जाती है स्लॉट में तो हमने ये पंप की शाफ्ट का ये जुगाड़ बना रखा है और SS की वेल्डिंग करी है इस पे। और इस प्रकार से हम इसकी कोयले निकाल लेते हैं। ये देखिए, चिपकी हुई कोयल है स्लॉट में तो टाइट हो जाती है कोयल, तो हम इस प्रकार से इसको निकालते हैं। आप इस जुगाड़ से किसी भी प्रकार की कोयल निकाल सकते हैं। ये देखिए, अभी पूरा हमने इसको वॉश कर दिया है और इसमें देखो पेपर भी हम डाल रहे हैं और इसका नाप निकाला, तो एक कोइल डाल के देखते हैं कि नाप सही है कि नहीं। ये देखिए, इसकी कोर लेंथ 210 mm इसकी कोर लेंथ है। जैसा कि मैसेज आ रहे थे कि आप डाया भी दिया करिए, कोई कोर लेंथ भी दिया करिए, तो ये हमने वीडियो में दिया है और जो पुराने वीडियो हमारे बने हुए हैं उनमें हमने नहीं दिया है। इसलिए ये देखिए, इस बार हम जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी उस प्रकार से हम वीडियो बनाएंगे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए, हमने एक सेट डाल दिया है और ये तीन छोड़ के एक साइड डाला है और उधर हमने पांच छोड़ के और एक कोइल डाला है। उसके बाद आपको स्लॉट गिनने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हमारा सेकंड सेट डल गया है। और इसमें एक मैसेज भी आया था कि आप यार 1.6, इसमें 1.6 वायर है, तो वो क्या यार ऐसे बताते हो तो हमारे समझ में नहीं आता। समरसेबल में ऐसा ही चलता है, जैसे कोई भी गेज होता है तो 0.7, 0.6, 0.5, 1.0, तो वो ऐसा ही चलता है। इसमें है 1.6, उसका मतलब है 16 नंबर वायर है। तो जैसे आप मैसेज करेंगे उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, अभी हम कोइल बना रहे हैं और ये मैनुअल है हमारे पास। हमारे पास कोइल बनाने के तीन स्टैंड है तो ये मैनुअली बना रहे हैं हम इसमें। और ये देखिए, एक साथ सेट बनते हैं ताकि जंपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वुडन का फर्मा है और हमने लकड़ी के गट्टे को लेथ मशीन पे इसको हमने बनवाया है। बहुत से जने पूछते हैं यार फर्मा कैसे बनाते हो, तो हमने इसको गैप लेथ वाले को बताया, उस हिसाब से ये फर्मा बनाया है। और ये हमारा अभी तीसरा सेट डल रहा है, ये देखिए आप। और ये इसको वाइंडिंग हम ही कर रहे हैं, हमने ही किया पूरा। और ऐसे मैसेज भी आए थे कि यार आपका वीडियो भी बनाया करिए। हालांकि हमने देखो स्टैंड भी पड़ा है, स्टैंड भी हमने परचेज किया है, पर जहां हम वाइंडिंग करते हैं वहां थोड़ा सा इसको स्टैंड को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम धीरे धीरे वीडियो में और सुधार करेंगे। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि हम आगे किस प्रकार के वीडियो बनाएं। ये देखिए आप, ये हमारे चार सेट डल गए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे चार सेट डल गए हैं। और इस प्रकार से ये स्लॉट अब ये खाली हुआ। हम बास्केट वाइंडिंग नहीं के बराबर करते हैं क्योंकि उसमें फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आता है, इसलिए हम चेन वाइंडिंग ही करते हैं। ये सेट पड़ा है तो इसको ऐसा ही सेकंड, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे रखना है। ये वो आपका फर्स्ट मूव इधर आ गया, जो आपका डायरेक्शन होता है उस हिसाब से इसको रखना है। ये देखिए आप, ये हमारा पांचवा सेट की दो कोयले डल गई है और अब ये पांचवे सेट की ये भी कोयल डल गई है। और अब इसके बाद आप देखिएगा, हम बताएंगे इसके कनेक्शन। ये स्टार डेल्टा कनेक्शन है और पिच है इसके 14, 16, 18। ये देखिए आप, अब ये पूरा वाइंडिंग करीब करीब, ये लास्ट कोइल है और हमारा ये वाइंडिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट कोइल डाल रहे हैं क्योंकि हमारा देखो अब कोइल डाल रहे हैं और हाथ आ जाता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा
हम इसलिए डालते हुए कम वीडियो बनाते हैं, उसमें क्या नजर नहीं आता है, क्योंकि बड़ी मोटर होती है उसमें तो नजर आ जाता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और हम क्या है कि हम ओपन वेल इसी प्रकार से वाइंडिंग करते हैं, और क्योंकि हम पहले मोटर बांधना हम पहले कर सीखे थे इसलिए, और ओपन वेल हम बाद में सीखे, तो हमारा हैबिट यही है। इसमें हमारा कोई भी स्क्रैच नहीं लगता है क्योंकि हम उसी हिसाब से डालते हैं, प्रैक्टिस हो गया हमारे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार ये मेथड गलत है, हालांकि हम V6 भी करते हैं तो V6 ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अब यह आदत हैबिट हो गई हमारा, तो इसलिए हम इसी प्रकार से वाइंडिंग करते हैं इसकी, क्योंकि उसमें हमें समय भी लगता है, इसमें हमें समय नहीं लगता है। इसमें 1/6 के 18 टन से और 14, 16, 18 पिच है, ये देखिए आप। अब ये एक छोड़ के एक, यानी 1/3/5 भी बोल सकते हैं आप, और एक छोड़ के एक पकड़ेंगे तो ये हमने एक छोड़ के एक ले लिया है, और ये एक लीड हो गई आपके। और आमने सामने वाला अगर आप सेट के द्वारा चलेंगे तो रेड से रेड आमने सामने आएगा, वाई से वाई भी आमने सामने आएगा, और ब्लू भी आमने सामने आएगा। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप तीन एक लीड लगाने के बाद ये तीनों जो बचे हैं तो आप सेकंड जो लीड लगाएंगे तो इन वायर को छिलके इस केबल से कंटिन्यूटी चेक कर लें, और उसी हिसाब से उसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए हमने पहले इसमें हमने लग भरा, पाइप साइज लग है उसको क्लेम किया है, उस पर भी दो बार PVC टेप किया है, उसके बाद हमने इसको पूरे पे कच्चा रबड़ किया है। ये देखिए उसके कच्चा रबड़ करने के बाद भी हमने इसमें दो बार PVC टेप किया है, क्योंकि लग जो क्लीम करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए हम केबल में पानी नहीं जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे भी कच्चा रबड़ लगाया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका केबल में ऐसा करने से केबल में पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसके बाद वापस हमने देखो इतना कच्चा रबड़ किया है, उसके बाद वापस इस पर हम दो बार PVC टेप करेंगे। इसी प्रकार से हम समरसेबल के जॉइंट बनाते हैं। ये देखिए हमारी दोनों केबल कंप्लीट हो गई है, और ये बंधाई भी कर दी है। ये देखिए हमारा वर्क, ये देखिए फिनिशिंग। अब इसकी हम फिटिंग करने के बाद ये देखिए इसकी नो लोड ट्रायल लेते हुए, और ये देखिए इसके नो लोड एम्पियर। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और भी आप कमेंट्स करिएगा कि हम किस प्रकार के वीडियो बनाएं। ये देखिए आप इसका नो लोड ट्रायल ले रहे हैं, और